इंदौर दुग्ध संघ द्वारा रजिस्टर्ड गौशालाओं में गायों के लिए निःशुल्क पशु आहार वितरण का आयोजन देपालपुर के श्री 24 अवतार मंदिर के सभा मंडप में किया। देपालपुर विधायक विशाल पटेल, मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ अध्यक्ष तंवर सिंह चौहान के आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पटेल ने कहा कि देपालपुर की 24 अवतार मंदिर गौशाला को भव्य और विशाल बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और जो भी जनमानस मुझे शासकीय जमीन बताए देपालपुर के आसपास है वहाँ पर 1000 से अधिक गायों को रखने वाली गौशाला का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उस गौशाला का आवंटन का भी जिम्मा मैं मेरे स्तर पर उठाऊंगा। इंदौर दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने भी किसानों के हित की बात कही और दूध के भाव को दुगुना करने का प्रयास भी करने का वादा किया और सभी से अपील की कि आप सांची की ही वस्तुएं अवश्य लें ताकि आपको मिलावटखोरी से मुक्ति मिल जाए। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। उसके बाद और भी लोगों ने यहाँ मदद भी करी, लेकिन मध्य प्रदेश में जब सरकार कांग्रेस की बनी यही गौशाला थी जहाँ 50,000 60,000 80,000 या 90,000 का अनुदान आता था। जिस दिन सरकार बनी उसके बाद 2,00,000 लोग यहाँ आने लगे इसी गौशाला में। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो आप लोगों से वचन दिए हैं निश्चित तौर पर हर एक वचन आपका पूरा होगा। रही बात देपालपुर विधानसभा की, अगर बात करें तो देवास के बाद अगर नाम आता है तो देपालपुर ज्यादा आता होगा उत्पादक में, दूध का सबसे ज्यादा उत्पादक यही है। वाजिब मांगे हैं, जो वादा किया है वो निभाना कांग्रेस पार्टी जानती है। 5 रुपए बोनस का आपने कहा, याद दिलाने का काम निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी सरकार और इतनी बड़ी जवाबदारी है तो कहीं ना कहीं देर सवेर हो सकती है, लेकिन अन्याय कांग्रेस पार्टी कभी किस नहीं करेगी, ना कमलनाथ जी कभी करेंगे। नहीं हो जाएगा मध्य प्रदेश में से। तो मैं समझता हूं कि आगे बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आदरणीय मोदी सिंह जी ने एक चीज और कही कि हम पता लगे और मैं ठीक है, आज वो भी देर तय कर लेते हैं, पवित्र दिन भी है। धक्का दे दो गाय को वो गिर जाए, ऐसी हालत हो रही है। तो थोड़ा विशेष रूप से अपन ध्यान दें, मुझसे जो सहयोग बने आप निश्चित 24 घंटे में, पहले भी कह चुका हूँ मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं और 24 अवतार मंदिर के लिए तो अगर शुरुआत भी करो, शुरुआत मंदिर जब शुरू हो रहा था उस समय भी मैं था, मेरे पिता थे, मेरा पूरा परिवार था और हर एक चीज में कभी हम लोगों ने मना नहीं किया। चुनाव जीतने के पहले चिंटू भाई और पूरे हमको देखते हैं क्या हो जाएगी, मैंने खुद ने निवेदन किया, उसका एक जीता जाता सबूत है सगड़ूत, जो 30-30 लाख की गौशाला खुलती थी तो मैं एक मुश्त एक 3 गौशाला एक साथ खुल रही, 1 करोड़ रुपए की एक ही गौशाला। फिर मैंने माननीय कमलनाथ जी से निवेदन किया, मैंने सब 3 बना रहे हैं, इसको और बढ़ा दें, इसको 5 से 6 ले जाएं, कम से कम वो सुचारू रूप से पड़ी हो, कम से कम 500 से 600 गाय एक ही गौशाला में हो और एक जगह रहेगी तो हम सब उसको सुरक्षा भी दे पाएंगे और उसको हम संभाल भी पाएंगे। हर गाँव में बन जाएगी तो नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ माननीय कमलनाथ जी ने वो तो कर ही दिया, फिर 1000 गाय की गौशाला का निर्माण इस देपालपुर में एक और होना है। इसके बाद क्या है, अभी दूध के भाव अभी बढ़े नहीं है और कभी से आप कह रहे हो दूध के भाव, तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन दूध के भाव का आपने प्रस्ताव किया उससे पहले घी पे प्रतिबंध क्यों लगाया? अरे किसान को घी देना चाहिए कि नहीं? तो ये कुर्सी का कसूर है, आदमी का कसूर नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि जर्सी गाय भी लाए तो अधिकारी लोग लाए हैं, अधिकारी लोग नेता को समझाते हैं साहब दूध की कमी है, अपन क्यों ना अमेरिका से स्विट्जरलैंड से वहां से फलानी जगह से वहां 15 लीटर दूध देती है गाय, दिन में 3 बार निकालो, 3 बार दूध नापो, अब देसी नस्ल आपने खत्म ही कर दी और आप फिर वही गुण गाने लगे हैं, तो ये तो बड़ी मुश्किल से सुधरना है, तो जल्दी नहीं सुधरेगा क्योंकि 15 लीटर दूध मेरे को पैसा कम मिल रहा है, 4 लीटर 3 लीटर 2 लीटर दूध है। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोभक्त कमलनाथ जी को, जिन्होंने सबसे पहला जो निर्णय कराया कि प्रदेश में 1000 गौशाला बनाना, साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड गौशालाएं पहले से संचालित थी उनमें जो गौ माता है उनको 5 रुपए पशु आहार प्रतिदिन देने का निर्णय और 15 रुपए जो चारा भूसे के लिए 20 रुपए प्रतिदिन कमलनाथ जी की सरकार ने करा और आज से इंदौर दूध संघ के माध्यम से
पवित्र नगरी देपालपुर में 24 अवतार मंदिर में यहाँ की गौशाला में आज की इसकी शुरुआत हुई है और इंदौर जिले की 31 जो गौशाला है उनमें 2-3 दिन के अंदर अंदर आज शुरुआत हो गई। सबदूर गौ माताओं के लिए पशु आहार वितरित हो जाएगी निःशुल्क। हमारे आज का विषय था हमारा गौ माता के लिए पशु आहार वितरण का, साथ ही साथ दूध संघ के माध्यम से संचालित हो रहा है। हम सब परिवार है, किसान भाई हमारे, उपभोक्ता भाई सब दूध संघ से जुड़े हैं। तो विधायक जी से हमने यही निवेदन करा है कि हमारी शासन की जो योजना है और विशेषकर जो हमारे एजेंडे में था 5 रुपये बोनस देने का निर्णय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुंचे और हमारे किसान भाइयों को 5 रुपये का बोनस बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाए। सपना था और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पूर्व एक वचन पत्र में लिखा भी था कि गौ रक्षा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो गौ रक्षा वो करेंगे। जो रोड पर कहीं ना कहीं हमारी गौ माताएं आवारा घूमती हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के कारण मर जाती हैं, जहां अनेक जानवर उनको कहीं ना कहीं खाते रहते हैं, तो उनकी रक्षा करने का वचन माननीय कमलनाथ जी ने दिया था। उसी के चलते हुए आज पहले प्रथम चरण में जो पशु आहार का वितरण हर गौशाला के अंदर संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो शुरुआत है उसका शुरुआत देपालपुर विधानसभा से हुई है और 24 अवतार मंदिर प्रांगण में शुरुआत हुई है कि माननीय कमलनाथ जी का जो स्वप्न है कि हर गौ रक्षा को उसकी खुद की रक्षा भी हो, आम जनता में अवेयरनेस कैसे आए, सब जनप्रतिनिधि कैसे गौ रक्षा के माध्यम से उनकी सेवा कर सके, ये उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को लेकर आज माननीय कमलनाथ जी का सपना पूरा हुआ है और शुरुआत देपालपुर से हुई। वाजिब भी है और माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में लिखा था, कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में लिखा था, उसमें काफी मांगे सम्मिलित है और निश्चित तौर पर हर एक वचन पूरा होना तय है। और विधानसभा हो या समूचे मध्य प्रदेश हो, मैं नहीं समझता हूं कि जमीन की कमी यहां है, हर एक गांव के अंदर जमीन है। और देपालपुर विधानसभा में एक नया पहल भी हम लोगों ने करी है जहां संयुक्त रूप से जो हर एक गांव के अंदर गौशालाएं बनना थी उसको छोड़कर हम लोगों ने संयुक्त रूप से एक गौशाला का बड़ा निर्माण हो, बड़ा कंस्ट्रक्शन हो कि ज्यादा से ज्यादा एक ही जगह एकत्रित हो सके और सेवा हम लोग कर सकें। ऐसे माध्यम से यही उद्देश्य से हम लोगों ने सगड़ूत के अंदर 1 करोड़ रुपये की गौशाला का निर्माण शुरू भी हो चुका है। और मैं नहीं समझता हूं कि देपालपुर में किसी भी प्रकार का गौ माता के नाम पर अगर कोई होता है और व्यक्ति सरकार अगर निजी जमीन भी मांगती है तो यहां देपालपुर विधानसभा का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक यहां जमीन दान देने के लिए भी तैयार है। योजना है इसमें एक गौशाला में एक गाय के लिए 20 रुपये का प्रावधान किया गया है, उसमें से 5 रुपये सुधाना पशु आहार प्रदाय करने के लिए दुख संघ को यह जिम्मेदारी दी गई पशुपालन के माध्यम से। और चूंकि पशु आहार जो है उच्च गुणवत्ता का है, जिससे इनके जो कमजोरी है वो दूर होगी। इससे ये पूरे प्रदेश में लागू है और हमारे यहाँ जो है इंदौर संभाग, इंदौर दुख संघ के कार्य क्षेत्र में देवास भी है, तो 40 लाख रुपये हर माह पशु आहार गायों को दिया जाए। 647 गौशाला है और उसमें 26,733 पशु हैं और 40 लाख रुपए का व्यय होगा हर महीने, जो मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त हुआ अनुदान के द्वारा। टीएन द्विवेदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।